कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज 15 सितंबर डेट है और 1 से लेके 15 सितंबर 2023 तक के जो एकदम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से अपन क्या करेंगे, तो पूरे के पूरे जो करंट अफेयर्स है उसको प्रॉपरली अपन लोग एनालाइज कर लेंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बिना टाइम को वेस्ट करें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली स्लाइड आ गई है, अब आप सभी को पता है खाली स्लाइड है मतलब यहाँ पर क्या होने वाले हैं, तो एक साहित्यकार होने वाले हैं, ठीक बात है। तो साहित्यकारों के लिए मैं क्या करता हूँ, तो एक छोटा सा कोड बताता हूँ आपको, ध्यान रखना, ठीक है। ये कोड थोड़ा छत्तीसगढ़ी में है, तो हमर ना एक जन जवारा है, हमर का एक जन जवारा, जवारा जो है ना उसका नाम है संत राम। का नाम है जवारा के? संत राम। तो हमर एक जन जवारा है, नाम है उसका संत राम। अब ये संत राम है ना, ये बिकट मिर्चा खाते, का खाते बिकट मिर्चा, और मिर्चा किसे होते? चुरपुर। तो हमर जवारा संत राम मिर्चा खाते, मिर्चा होते चुरपुर, और मिर्चा खा के का करते पता है यहाँ? तो ये है ना लोरिक चंदा देखते, और देखते ढोला मारू। तो हमर जवारा संत राम मिर्चा खाते, मिर्चा चुरपुर है, वो खा के देखते लोरिक चंदा और ढोला मारू, ठीक बात। सबसे पहले यहां से संत राम उठाइए, तो साहित्यकार हैं संत राम साहू, तो संत राम साहू जी क्या है? साहित्यकार हैं, ठीक बात है। अब इसके बाद आइए, तो इनकी पहली रचना जो है वो क्या है? जवारा। तो पहली रचना इनकी जवारा, अगली रचना ध्यान रखना क्या? मिर्चा पताल। क्या है? मिर्चा पताल। तो पहली रचना जवारा है, दूसरी रचना क्या है? मिर्चा पताल है, फिर तीसरी है गुर तुर चुरपुर। तो अगली रचना क्या है? गुरतुर चुरपुर। जवारा, मिर्चा पताल, गुरतुर चुरपुर। फिर अगली देखिए क्या रचना है, लोरिक चंदा नहीं, चंदा लोरिक काम कंदला। अगली रचना क्या है? चंदा लोरी काम कंदला, और उसके बाद है ढोला मारू। समझ में आया? तो क्या देखा हमने? तो मैंने कोड बताया था, हमर जवारा संत राम मिर्चा खाते, मिर्चा होते चुरपुर, देखते लोरिक चंदा और ढोला मारू। तो संत राम से मैंने क्या बताया? संत राम साहू जो है वो साहित्यकार है। रचना जवारा से जवारा है, मिर्चा से है मिर्चा पताल, चुरपुर से है गुरतुर चुरपुर, और लोरिक चंदा से चंदा लोरिक काम कंदला, और उसके बाद ढोला मारू अगली रचना इनकी। इसमें ध्यान रखना, ढोला मारू और चंदा लोरिक काम कंदला, ये दोनों जो रचनाएं हैं ना, ये असल में खंड काव्य है। ये भी क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है, समझ में आया कि किस प्रकार की रचना है, क्या है? तो इट इज खंड काव्य। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से हमने प्रॉपरली देख लिया किसको, तो अपने साहित्यकार जी को, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो जो लास्ट वीक मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस पर आया जाए और उनके आंसर को देखा जाए। पहला प्रश्न था पर्यावास
अधिकार प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने बताया था छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन सी जनजाति को मिला, कमार पहली जनजाति है छत्तीसगढ़ की जिसको ये मिला है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व हाथी दिवस कब था, विश्व हाथी दिवस था 12 अगस्त को, के अवसर पर छत्तीसगढ़ में हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन से अभियान की शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान होना चाहिए, अपन ने देखा था संवेदना अभियान, कौन सा अभियान, संवेदना अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी 12 अगस्त को। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वरी यादव जिन्हें हाल ही में पुलिस विभाग के द्वारा ASI पद पर नियुक्त किया गया है, वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये तो वेट लिफ्टर है, पिछले ही वीडियो में देखा था इनके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष 5.0 के बारे में क्या असत्य है, तो ऑप्शन ए बोलता है इसका पहला चरण 7 से 12 अगस्त को हुआ, ठीक बात है। बी बोलता है कि दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर को होगा, ठीक है ये भी। तीसरा बोलता है या सी स्टेटमेंट कहता है तीसरा चरण 9 से 14 नवंबर तक होगा, भैया ये गलत है, नवंबर नहीं अक्टूबर में होने वाला है। कब होने वाला है, 9 से 14 अक्टूबर। और डी कहता है पांच साल तक के बच्चों का क्या किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो हमको क्या बोला है, क्या गलत है बताना है, तो ए तो सही है, पहला चरण 7 से 12 अगस्त, बी भी सही है 11 से 16 सितंबर, सी वाला गलत है, नवंबर दिया है लेकिन होना चाहिए 9 से 14 अक्टूबर, और डी भी सही है फिर लास्ट में, क्या कि 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण कराना है इसका उद्देश्य, ठीक बात। ऐसे बच्चे जो छूटे हुए थे, ये पूरा स्टेटमेंट है, बट ठीक है, आधा भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको क्या बताना है, क्या असत्य है, कॉमन सेंस की बात है, सी असत्य है, क्यों, क्योंकि चरण जो है वो 9 से 14 अक्टूबर तक है, ना कि नवंबर तक। अब इसके बाद आइए किसमें, पांचवें क्वेश्चन में, मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था। आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक मत्स्य बीज उत्पादन और फिर बताया था मत्स्य उत्पादन, तो मत्स्य बीज और मत्स्य, तो मत्स्य बीज में 5th रैंक है और मत्स्य में 6th है। आपसे क्या पूछा है, मत्स्य 6th, छठवा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है ये, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, युवोदय हसदेव के हीरो कार्यक्रम कौन से जिले द्वारा संचालित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं उस दिन भी बताया था, जांजगीर चांपा का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस यूनिसेफ, यूनिफेस लिख रहा हूं मैं भी, मिलकर चला रहे हैं इस युवोदय हसदेव के हीरो कार्यक्रम को। समझ में आया कि नहीं आया, युवोदय हसदेव के हीरो कार्यक्रम, ठीक है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देख लीजिए जांजगीर चांपा कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर होने वाला है, क्लियर है। तो यहां पर ये जो 6 क्वेश्चन थे इनको हमने प्रॉपर्ली देख लिया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्ली एक एक टॉपिक को और इसको एनालाइज कर लेंगे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक बात है। पहला ही टॉपिक आप लोग देखिए क्या दिया गया है, स्वीप SSR रैप। अब सबसे पहले स्वीप क्या है, SSR क्या है, इसको समझिए, रैप तो आप जानते होंगे यार, गाना है एक प्रकार का, ठीक है। तो स्वीप को देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसका वेबसाइट है और इसमें ये स्वीप दिया है, ध्यान रखना क्रिकेट की तरह इसका स्पेलिंग SWEEP नहीं है, इसका स्पेलिंग क्या है, SVEEP, क्या स्पेलिंग है, SVEEP। अच्छा, अब इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो लिखा हुआ है वेबसाइट में कि ये सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, तो एस से क्या है, सिस्टमैटिक, वी से है क्या, वोटर्स, ई से एजुकेशन, अगला ई क्या है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और आखिरी का पी क्या है, प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा सिस्टमैटिक
प्रोग्राम है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, वोटर्स को एजुकेट किया जाता है ताकि वो लोग इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करें, मतलब मतदाताओं को जागरूक किया जाता है ताकि वो क्या करें, मतदान करें। अब ये स्पेशल प्रोग्राम है किसका है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आई होप स्वीप के बारे में आप लोग समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब आ जाइए इस स्लाइड पर वापस। तो स्वीप तो समझ गए, वोटर लोगों को क्या करना है, एजुकेट करना है, किसके लिए, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए, शिक्षित करना है ताकि मतदान में क्या करें, भाग लें। अब ये जो प्रोग्राम है इसके बाद अगला वर्ड आप देख रहे हो वो है SSR। हिंदी में कहते हैं इसे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं SPECIAL, स्पेशल समरी रिविजन। समझ में आया, तो SSR का मतलब है स्पेशल समरी रिविजन, हिंदी में कहते हैं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। ये ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो स्वीप के माध्यम से एजुकेट किया जाता है और स्पेशल समरी रिविजन, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से नए वोटर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो स्वीप और SSR को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली क्या किया गया है, एक रैप बनाया गया है, एक नया टाइप का गाना बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये तो टॉपिक का मतलब हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये टॉपिक है क्या। अब इसको जरा समझना अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे राज्य की जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। क्या कहते हैं इनको, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इन्होंने क्या किया, अच्छा है कौन ये भी देख लेते हैं, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी। तो हमारे यहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ की कौन है, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी। इन्होंने क्या किया, कांकेर का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये जो रैप बनाया है इसको लॉन्च किया। समझ में आया, स्वीप SSR रैप इसका नाम है। समझ में आया कि नहीं आया, अब बेसिकली इस बार का जो स्पेशल समरी रिविजन चल रहा है जिसके माध्यम से नए लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, उसी को लोगों तक बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए, एडवर्टीज करने के लिए इस रैप को बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, ताकि लोगों तक इस जो ये है क्या बोलते हैं अभियान है उसका क्या हो सके, प्रचार हो सके। तो इसको लॉन्च कर दिया, यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है भाई। अब ये जो हमारा रैप है ना, स्वीप SSR रैप, लगभग पूरे देश में अपने प्रकार का एक ऐसा पहला रैप है जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो अभी जो फोटो युक्त मतदाता सूची जो है उस अभियान का प्रचार किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये जो रैप है इसके माध्यम से फोटो युक्त मतदाता सूची, जो वोटर्स लिस्ट रहेगा जो कि आप फोटो के साथ रहेगा, उसको प्रचारित किया जा रहा है इस रैप के माध्यम से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि स्पेशल समरी रिविजन वही है आपका, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण इस साल का हो रहा है इसलिए 2023 लिखा है, और इस बार का जो स्पेशल समरी रिविजन है उसी के माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो फोटो युक्त मतदाता सूची जो है उसमें लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, अब इसको प्रचार करने के लिए रैप बना है, ठीक है कि नहीं है। अब इस रैप के माध्यम से जब इसका प्रचार प्रसार होगा तब क्या होगा भाई, तो अधिक से अधिक युवा जो है वो लोग क्या करेंगे, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएंगे, और हमारे यहां पता होगा आपको 2 महीने बाद इलेक्शंस हैं, तो उसमें जाके ये लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो कांकेर की जो स्वीप टीम है, समझ में आया ना, वोटर्स को एजुकेट करने वाली स्वीप, बताया था ना आपको प्रोग्राम, तो वो जो स्वीप टीम है उसके द्वारा इसको स्वयं क्या किया गया है, तैयार किया गया है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी, उन्होंने क्या किया है पता है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
कार्यालय द्वारा तैयार एक पुस्तिका है, उनके कार्यालय द्वारा एक पुस्तिका, एक बुकलेट को रेडी किया गया है। नाम है उसका शक्ति, कॉम्प्रिहेंसिव स्वीप प्लान टू इम्प्रूव फीमेल वोटर टर्नआउट। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा प्लान है, प्रोग्राम तो गलत कह दिया मैंने, एक ऐसा प्लान है जिससे क्या होगा, फीमेल टर्नआउट जो है वोटर्स में उसको बढ़ाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ऐसा प्लान है और उसी की एक पुस्तिका है जिसका नाम क्या है, शक्ति। उसका क्या किया है, विमोचन किया है, लॉन्च किया है कह लो उसको। समझ में आया? तो ये था पूरा का पूरा हमारा न्यूज। अब देखिएगा, सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज पर। तब आपको पूछेगा कि ये जो स्वीप एसएसआर रैप है कौन से डिस्ट्रिक्ट ने, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कांकेर डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च हुआ है, ठीक है, या कांकेर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है कि नहीं है। फिर पूछेगा किसने लॉन्च किया, तो श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। कांकेर ने किसने तैयार किया है पूछ सकता है ना, ठीक है। कांकेर ने लॉन्च नहीं किया है, इट इज नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली। कांकेर में ऐसा पूछेगा कि किस जिले के प्रशासन द्वारा इसे तैयार किया गया है, तो कांकेर जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है। श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने इनको क्या किया है, लॉन्च किया है इसको। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है किसने लॉन्च किया, कहां तैयार हुआ। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू में, क्यों, क्योंकि अब भी इलेक्शन होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीन ठो एमसीक्यू तो आप लोग एकदम तैयार करके रखना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मुझे कुछ विशेष नहीं लग रहा है, लेकिन इस साल इलेक्शन है और इलेक्शन से संबंधित अगर कोई ऐसे आ गया तो आप डाल सकते हो कि हमारे यहाँ स्वीप प्रोग्राम चल रहा है, एसएसआर हर साल होता है, और उसके बाद हमने क्या किया था वोटर टर्नआउट को प्रमोट करने के लिए या वोटर लिस्ट में ज्यादा लोगों का नाम जुड़े इसके लिए रैप जो है उसको बनाया था, ताकि लोगों तक ये जो पूरा अभियान है उसको क्या किया जा सके, एडवर्टाइज किया जा सके करके। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आप लोग यहां से मेंस टाइप का भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर है। अगर आप लोग इस रैप को सुनना चाहो ना तो मैं सुना भी देता हूं आप लोगों को। कहां गया, हाँ यस, गूगल क्रोम। अब यहां पर क्या लिखा जाए, यूट्यूब। ये आ गए हम लोग YouTube होम में। अब उसके बाद शीप लिखा जा रहा है जी, स्वीप SSR कांकेर रैप। देखते हैं कौन सा वाला सही है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही वाला है। तो बहुत शानदार है। शानदार क्यों है पता है? शानदार इसलिए है क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि साउंड तो आना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से साउंड बंद है, ठीक है, अब आएगा। देखना, मैं थोड़ा सा ये माइक जो है ना इसको लगाता हूँ। पूछो ना, पूछो ना, तो ध्यान से सुन लेगा क्या? हाँ हाँ, इंस्टा पे वो स्टर्ड है, स्टर्ड है, रील्स वायरल होते, देखो फटाफट है, फट है, फट है, पोस्ट पे भी लाइक, बड़े जबरदस्त है, मस्त है, मस्त है, पर सुनना और रॉकस्टार, सुनने को टर्निस्ट है। ठीक है, तो आप लोग देखो, बोल रहे हैं ना बार बार, नाम जुड़वाया क्या, नाम जुड़वाया क्या। और इस वीडियो को भी प्रॉपरली आप लोग देखोगे तो स्वीप का, अंकेर का भी इसमें क्या लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। और साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका भी क्या लगा हुआ है, तो लोगो लगा हुआ है। चलो, हो गया बढ़िया मस्ती। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस आगे बढ़ जाते हैं, ठीक बात है। अच्छा,
30-30 वर्ड्स में अगर चाहो ना मेंस में, तो स्वीप को रेडी कर लेना 30 वर्ड्स में, स्वीप क्या है करके, ठीक है? इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो डायनेमिक में पूछ देगा 30 वर्ड्स में स्वीप अभियान क्या है करके, उसके बाद फिर आप लोग खुशते रहोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रिलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है ये। तो PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है? श्री वी श्रीनिवास राव IFS पूरा है इनका नाम। इनको बनाया गया है वन बल प्रमुख। क्या बनाया गया है इनको? वन बल प्रमुख, मतलब इंग्लिश में कहोगे तो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। तो PCCF श्री वी श्रीनिवास राव बन गए हैं क्या? वन बल प्रमुख, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, ठीक है कि नहीं है? तो इससे संबंधित जो आदेश था वो आदेश जारी हो चुका है, ठीक है? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उसने क्या किया है, तो इस आदेश को जारी किया है। ये ऑलरेडी PCCF थे, अब साथ में ये हमारे राज्य के वन बल प्रमुख हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स जो है वो बन चुके हैं। नाम क्या है? श्री वी श्रीनिवास राव, ठीक है? प्रधान मुख्य वन संरक्षण, वन संरक्षक, PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। इसमें अगर आप ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को देखो तो सबसे ऊपर इसमें कौन है? फॉरेस्ट मिनिस्टर, समझ में आया? वन मंत्री, जो कि कौन है भाई? तो हैं मोहम्मद अकबर जी। इसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, तो श्री शिशुपाल शोरी जी भी हैं और श्री चंद्रदेव प्रसाद राय भी हैं, समझ में आया? तो ये दोनों आ गए। इनके बाद आते हैं वन विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस पद पर अभी श्री मनोज कुमार पिंगवा जी हैं IAS, और उसके नीचे आते हैं कौन? तो PCCF जो कि बन चुके हैं श्री वी श्रीनिवास राव। तो सबसे ऊपर कौन है भाई? फॉरेस्ट मिनिस्टर, उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उसके बाद कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उसके बाद आते हैं PCCF। समझ में आया कि नहीं आया? ये बेसिकली वन विभाग क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, डन। तो अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो आपको सीधा यहां पर MCQ पूछ देगा कि भैया वन बल प्रमुख कौन नियुक्त हैं या अभी PCCF कौन है करके। आंसर आपका क्या रहेगा? श्री वी श्रीनिवास राव, समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकता, MCQ बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। राष्ट्रपति द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है ये मिला है, ठीक है भाई? तो दिन था 5 सितंबर, शिक्षक दिवस था, और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित किया गया, और इसमें डॉक्टर पांडे जो कि एक्चुअली प्राचार्य हैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्रह्मपारा अंबिकापुर के, इनको क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है? इस साल मतलब 2023 के लिए 75 चयनित शिक्षकों को क्या किया गया है? इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक बात है? अब डॉक्टर ब्रिजेश को क्यों मिला ये? तो ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला। अब स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? तो इन्होंने क्या किया, बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि को जगाने के साथ साथ जो छोटे छोटे बाल वैज्ञानिक हैं उनको आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, बहुत इम्पॉर्टेंट इनका रोल रहा है, और इनके गाइडेंस में कई बाल वैज्ञानिक अपना मॉडल जो है नेशनल लेवल तक में क्या कर चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं, डिस्प्ले कर चुके हैं। तो साइंस के सेक्टर में बच्चों को प्रमोट करने का काफी अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर पांडे, और इसीलिए इनको क्या किया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? अब क्वेश्चंस पर आइए। तो सबसे पहले MCQ में यही पूछ देगा आपको
क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डॉक्टर ब्रिजेश पांडे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, डिटेल में एकदम पूछने की इच्छा हुई तो आपको कारण पूछ सकता है। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेगा पता है? एमसीक्यू दे देगा, चार पांच स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, अवार्ड मिला कौन दिया कहां दिया, और उसके बाद फिर दिया गया कारण दिया रहेगा इसलिए मिला है, बोलेगा बताओ चलो चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है करके। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर पूछ सकता है एमसीक्यू में आपको कि कितने शिक्षकों का चयन किया गया था, तो 75, ये भी ध्यान रखना है इतने लोगों को मिला है करके। अच्छा, और भी पूछ सकता है कि इनको राज्यपाल पुरस्कार कब मिला था, तो वर्ष 2018 में इनको राज्यपाल पुरस्कार मिला था। तो ऐसे चार क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर मेंस में आप इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो आप ना सीधा सीधा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है ना, इसके ऊपर 30 वर्ड्स में 60 वर्ड्स में क्वेश्चन को रेडी कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कई बार। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में लिखने के लिए कभी कोई ऐसे आ जाए तो ये कंटेंट आपका यूज हो जाएगा कि आप बताना छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे हो चुका है, यहाँ पर विज्ञान को प्रमोट करने के लिए यहाँ के शिक्षकों को क्या मिल रहा है? नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो इसको भी आप मेंस में इस फैक्ट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप का ज्यादा है फिर से ये टॉपिक। तो छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? देश देखा कहाँ पर है? जशपुर। बन क्या रहा है? चालू हो गया है। ठीक है, तो ये जो जशपुर है यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि देश देखा में दो बहुत फेमस पर्वतारोही हैं, नाम है पार्थ सारथी दत्ता और स्वप्निल दास। ये लोग रॉक क्लाइंबिंग सिखा रहे हैं किसको? बच्चों को। और अभी तक लगभग 24 स्कूल बच्चे जो है ना, ये इनका प्रशिक्षण लेना शुरू कर चुके हैं, ट्रेनिंग लेना क्या कर चुके हैं? स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो जशपुर जिले में ये बना है, कहां पर? देश देखा। समझ में आया कि नहीं आया? लागत दिया हुआ है 1,26,00,000 रुपए। ठीक बात। और इसका उद्घाटन संसदीय सचिव यूडी मिंज ने क्या किया है? तो इतना तो इसका कंटेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा एक ही क्वेश्चन बनेगा, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र कहां बना है? तो जगह का नाम याद रखना, देश देखा। कहां बना है? देश देखा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यूथ कनेक्ट फेस्टिवल। अब यूथ कनेक्ट फेस्टिवल जो है इसके बारे में जरा समझिएगा। यूथ कनेक्ट फेस्टिवल जो है ये कहां आयोजित किया गया? जशपुर में। कितने दिन का था? 4 दिवसीय, 7 से लेकर 10 सितंबर तक ये आयोजित किया गया। और कोइंसिडेंटली ये भी आयोजन कहां हुआ है? देश देखा। तो ध्यान रखना, जशपुर जिले के देश देखा में 7 से लेकर 10 सितंबर 4 दिन के लिए क्या किया गया है? तो यूथ कनेक्ट फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया। अब बेसिकली इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो यूथ है वो इसी फेस्टिवल के बहाने यहां पर आए, यहां को देखे, और ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ के पर्यटन को, टूरिज्म को क्या मिले? बढ़ावा मिले। अब यूथ आ रहे हैं तो उनको किसी ना किसी चीज में बिजी रखने के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं। और एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं भैया? तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज हैं, किसी दिन वॉक है, किसी दिन मेडिटेशन है, इसके अलावा बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज भी हैं। अब इसी अवसर पर यहाँ पहुंच कौन गए? तो डॉक्टर रवि मित्तल जो कि कलेक्टर है कहाँ के? जशपुर के। वहां गए, सभी जितने प्रतिभागी थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उनके साथ रूबरू हुए, मिले। ठीक है, साथ में महिला समूह वहां पर क्या बनाई है? दोना पत्तल। उसमें सब लोग क्या किए? डिनर भी किए। क्लियर है? तो टूरिज्म को नेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए ये जो यूथ कनेक्ट फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक बात है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? तो इसमें से क्वेश्चंस देखा जाएगा। तो सबसे पहले पूछेगा यूथ कनेक्ट फेस्टिवल कब हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कहां हुआ? समझ में आया? तो कब याद रखना, 7 से 10 सितंबर। सेकंड क्वेश्चन, कहां हुआ है? तो जशपुर के देश देखा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, पर्यटन की संभावनाओं को लेकर कभी कोई ऐसे आ जाए
तो उस कंडीशन में ऐसे फैक्ट्स यूज हो जाएंगे कि हम लोग अपने राज्य में पर्यटन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज भी करा रहे हैं, जैसे कि यूथ कनेक्ट फेस्टिवल नाम की एक्टिविटी कहाँ कराई गई थी या प्रोग्राम कहाँ कराया गया था, तो जशपुर में कराया गया था, जिसके माध्यम से बहुत सारे यूथ लगभग 11 राज्य जो है ना, 11 अलग अलग राज्य भारत के, यहाँ के यूथ छत्तीसगढ़ आए और इससे पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा। तो इस प्रकार के फैक्ट्स को भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे में यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब G20 में आई जो फर्स्ट लेडी हैं, उनको बस्तर की महिलाओं ने क्या दिया है, मिलेट का उपहार दिया है। तो पता है आप लोगों को मिलेट बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है अभी। तो G20 जो देश थे, इनका आपको पता होगा 9 और 10 सितंबर को G20 का जो हेड ऑफ द स्टेट्स का मीटिंग होता है वो कहाँ था, दिल्ली। अब हेड ऑफ द स्टेट हैं तो उनकी पत्नी क्या कहलाएंगी, तो कहलाएंगी फर्स्ट लेडी। तो ये जो फर्स्ट लेडीज थी ना, इनको क्या किया गया था, कृषि प्रदर्शनी में विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था आइए करके, और वहीं पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी, जिनको हमारे यहाँ से मिलेट से बनाए हुए जो पकवान है उसकी एक टोकरी को क्या किया गया है, गिफ्ट किया गया है। ठीक है कि नहीं है, डन। तो G20 देश भाग लेने के लिए जितने प्रमुख आए और प्रथम महिलाएं और साथ उनके जो जीवन साथी थे, उनको 9 सितंबर को क्या किया गया था, पूसा रोड में ARAI परिसर में कृषि प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसके लिए विशेष रूप से क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था, वहां पर आए और ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी को हम लोगों ने मिलेट से बनाए हुए पकवान जो है टोकरी में रट के दिए। और हम लोग ने फिर क्या रिक्वेस्ट किया फर्स्ट लेडी को, कि आप क्या करिए, कभी आकर बस्तर जो है उसको विजिट करके देखिए। ठीक बात है। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस की बात करो, तो पहला तो MCQ बनेगा सीधा, किसको दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट लेडी। मेंस की अगर बात करो तो मिलेट मिशन के ऊपर कभी लिखने को आ जाए तो आप बता सकते हो भैया मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो G20 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी को क्या किए, गिफ्ट दिए मिलेट से बने हुए पकवान, ताकि वो क्या कर सकें, तो उसका स्वाद ले सकें, उनको अच्छा लगे, फिर छत्तीसगढ़ आए और खूब सारा मिलेट खरीद के लेके जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, बीजापुर के संतोष ने शुरू किया खुद का किराना व्यवसाय। तो भैया किराना व्यवसाय के बारे में नहीं बताऊंगा, ना बीजापुर के बाद बताऊंगा, ना तो मैं संतोष के बारे में बताऊंगा। यहां मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है ये योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये सीधा मेंस में 60 और 30 वर्ड्स का क्वेश्चन बनेगा पेपर नंबर 5 में, समझ में आया। तो ये जो योजना है ना, ये राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली, मतलब स्टेट छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। कौन सा डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है, तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, या वाणिज्य और उद्योग विभाग। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। अच्छा, लाभार्थी कौन है या कौन बेनिफिशियरी हो सकता है, तो हमारे राज्य के जितने बेरोजगार युवा हैं और उनको क्या चाहिए, स्वरोजगार चाहिए, खुद का व्यवसाय स्थापित करना है, तो वो लोग इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही है कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना, फाइनेंशियल एड देना। क्या देना, फाइनेंशियल एड देना, वित्तीय सहायता देना, खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए हमारे राज्य के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको। अब इसमें ध्यान रखना, ऋण की राशि ऐसी है कि अगर आप कोई उद्योग खोलना चाहते हो, इंडस्ट्री, तो 25 लाख मिल जाएगा, कोई सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख और छोटा सा कोई बिजनेस जैसे किराना, तो इसके लिए कितना मिल जाएगा, 2 लाख रुपए। समझ में आया। तो अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिल जाएगी। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का कोई उद्योग खोलना चाहते हो, इंडस्ट्री खोलना चाहते हो या कोई उद्यम खोलना चाहते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 लाख रुपए, और उसके बाद फिर क्या है, व्यवसाय अगर कोई खोल रहे हो तो 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड इस योजना के माध्यम से आपको मिल जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्या करना, इसको रेडी कर लेना। अब नेक्स्ट, दलदल सिवनी में होगी अर्बन कॉटेज एवं सर्विस उक्त इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है भाई, तो हमारा जो रायपुर है तो नगर पालिक निगम के अंतर्गत ही सीमा क्षेत्र में आता है क्या, दलदल सिवनी, और यहाँ पर अर्बन कॉटेज एंड सर्विस उक्त इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसकी स्थापना होगी। ठीक है कि नहीं है। अब इससे जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री हैं, कुटीर उद्योग हैं और सेवा उद्योग हैं, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं,
उनके स्थापना और संचालन के लिए क्या किया गया है, आवेदन को आमंत्रित किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पर क्या करेगी, नगर निगम बढ़िया से रोड नाली पानी बिजली सबकी व्यवस्था करा देगी, और उसके बाद प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर क्या किया जाएगा, तो भूमि का आवंटन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो कलेक्टर रायपुर के द्वारा, या इनकी अध्यक्षता होगी जिला स्तरीय कमिटी के द्वारा की जाएगी। समझ में आया? तो जिला स्तरीय कमिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? कलेक्टर साहब। तो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में समिति के द्वारा क्या किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर क्या किया जाएगा, भूमि को आवंटित किया जाएगा, प्लान को दिया जाएगा। क्लियर है? अब भैया यहां से क्वेश्चंस की बात करोगे, पहला क्वेश्चन तो सीधा एमसीक्यू बनेगा, पूछेगा अर्बन कॉटेज सर्विस उक्त इंडस्ट्रियल पार्क कहां बने, दलदल सिवनी रायपुर। मेंस में कहोगे तो औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित अगर कोई ऐसे आ गया तब बता देना कि ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग बना रहे हैं, ताकि कॉटेज इंडस्ट्रीज को और जो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उसको क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। तो ये फैक्ट काम में आ सकता है, ऐसे कहोगे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, पोठलईका अभियान। क्या है पोठलईका अभियान, इसको समझाता हूं मैं। देखिएगा ये जो अभियान है ना, तो इसके अंतर्गत हमारे राज्य के 6 साल की कम आयु वाले बच्चों को कुपोषण मैल न्यूट्रिशन और एनीमिया से क्या कराना है, मुक्त कराना है। अब ये जो कार्यक्रम है इसको बेमेतरा सब डिविजन के अंतर्गत दो ठो गांव है, बेमेतरा और खंडसरा, यहां पर क्या किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 39 विलेजेस, या ऐसे कहो बेमेतरा अनुविभाग के बेमेतरा और खंडसरा परियोजना के अंतर्गत 39 गांव 39 विलेजेस में चलाया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पोठलईका अभियान को। और कब से चलाया जा रहा है, तो नवंबर 2022, मोटा मोटा 10 महीना हो गया। समझ में आया? और इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनको कुपोषण से और एनीमिया खून की कमी से क्या कर देना है, मुक्त करा देना है। ठीक है? तो जब दिसंबर 2022 की स्थिति थी तो यहां पर लगभग 1114 लक्षित, मध्यम लक्षित, गंभीर और मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों में से 599 बच्चे कुपोषण से क्या हो चुके हैं, मुक्त। मतलब चिन्हांकित 1114 लोग थे जिसमें से 599 बच्चे क्या हो चुके हैं, कुपोषण से मुक्त। प्रतिशत में देखें तो 53.77% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो 53.77% बच्चे जो कि चिन्हांकित थे, लक्षित थे, टारगेटेड थे, वो लोग क्या हो चुके हैं, तो अब सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। या ऐसे समझाता हूँ, तो लक्षित बच्चे 1114 थे, जिसमें से 53.77 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं, मतलब उनका अब जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो अच्छा हो चुका है, वो लोग माल न्यूट्रिस्ट नहीं है। संख्या में कहोगे तो ऐसे 599 बच्चे थे जिनका पोषण स्तर जो है उसमें क्या हो चुका है, अब सुधार हो चुका है। क्लियर है? तो यही है आपका क्या, पोठलईका अभियान। ध्यान रखना इस अभियान में आंगनबाड़ी जो है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है, और इसको यूनिसेफ के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को। तो क्या होता है, हर शुक्रवार के दिन जो टारगेटेड सेंटर्स हैं, वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायक हैं, सक्रिय महिला सदस्य हैं, मितानिन हैं, पंच सरपंच हैं, इनकी सहभागिता से जो गर्भवती शिशुवती माताएं हैं और सभी बच्चे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, और इनके जो पालक हैं उनको पोषण और स्वच्छता संबंधी परामर्श क्या किया है, दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। इस योजना में क्या किया गया, तो इस योजना में इन सभी के माध्यम से पंच सरपंच, जो महिला पर्यवेक्षक हैं, उसके बाद फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सक्रिय महिला सदस्य हैं, मितानिन हैं, सब लोग मिलके क्या करेंगे, तो गर्भवती शिशुवती जो माता हैं, इसके अलावा बच्चे के जो पालक हैं, उनको पोषण और स्वच्छता संबंधित क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 6 साल के जो बच्चे हैं इनको कुपोषण से मुक्त करना, 6 साल की उम्र तक के बच्चों को कुपोषण से क्या करना, मुक्त कर देना, ये क्या है इसका टारगेट है। और अपना जो टारगेट था, तो इसमें कितने बच्चे लक्षित थे, 1114, उसमें से 53.77% बच्चे जो हैं वो अब सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं, इनका न्यूट्रिशन का लेवल क्या हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। ठीक, अब इस वीडियो
के अंत की तरफ अपन बढ़ते हैं तो कुछ छोटे मोटे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो मिशन वात्सल्य इसको देख चुके हैं ऑलरेडी पुराने वीडियोज में अपन। इसके तहत गरियाबंद जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, उसमें क्या चल रहा है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। तो ये सीधा एमसीक्यू के तौर पर क्या है, आपको पूछ लिया जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो राजधानी में 2000 से अधिक जो योग साधक हैं, जो लोग योग करते हैं, वो लोग सेतुबंध आसन जो है उसका क्या किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मुख्य आतिथ्य में क्या हुआ है, तो वन शहीद दिवस के अवसर पर 11 सितंबर को क्या किया गया, तो हमारा जो ऊर्जा पार्क है राजीव स्मृति वन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम शहीद वन अधिकारी कर्मचारियों की स्मृति में आयोजित किया गया था। ये सीधा सीधा फैक्ट्स आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले इस स्लाइड में से अगर क्वेश्चन बताऊं ना, तो ध्यान रखना पोठलेका अभियान जो है 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना, पेपर नंबर 5 में डायरेक्ट पूछ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कहां से की गई, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है बेमेतरा, ठीक है। कितने गांव, ये भी ध्यान रखना, और कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। और मेंस में सीधा 30 वर्ड्स में पोठलेका अभियान। चलिए फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है स्वीप SSR रैप निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है भाई। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित डॉक्टर ब्रिजेश पांडे के स्कूल के प्राचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, पोठलेका अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, इसको भी बता चुका हूं आप लोगों को। डन, चलिए तो यहां पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को बताइए, और मैं आप सभी से मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।